बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई 3 दिवसीय सरहदी बाड़मेर जिले के दौरे पर हैं। बाड़मेर में 3 दिन तक प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान में भाग लेकर आम जनता को राहत प्रदान करने में जुटे हुए हैं। दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को बाड़मेर नगर परिषद में चल रहे प्रशासन शहरों के संग शिविर का बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई, जिला कलेक्टर लोकबंधु, विधायक मेवाराम जैन ने कार्यों के बारे में जानकारी ली। वहीं मंत्री विश्नोई ने लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शहर की सरकार आमजन को भूखंडों के पट्टे देने के साथ विभिन्न समस्याओं के निस्तारण में जुटी हुई है। इसी बीच जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने अपने दौरे के दूसरे दिन नगर परिषद बाड़मेर पहुंचकर प्रशासन शहरों के संग शिविर का अवलोकन किया। नगर परिषद पहुंचे प्रभारी मंत्री विश्नोई का सभापति दिलीप माली और उपसभापति सुल्तान सिंह देवड़ा ने माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। प्रभारी मंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अब तक नगर परिषद द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली और आमजन को पट्टे देने के साथ आमजन की समस्याओं के कारण की भी बात कही। इस दौरान प्रभारी मंत्री विश्नोई, जिला कलेक्टर लोकबंधु, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, सभापति दिलीप माली, आयुक्त दलीप पूनिया ने आमजन को विभिन्न स्कीम में बनाए गए भूखंडों के पट्टे वितरित किए। प्रभारी मंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अब तक नगर परिषद द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली और आमजन को पट्टे देने के साथ आमजन की समस्याओं के निस्तारण की भी बात कही। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु और बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने भी आमजन को शिविर में भाग लेकर शिविर का लाभ उठाने की बात कही। साथ ही अधिकारियों को भी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य कर आमजन को लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया। विधायक और कलेक्टर ने अधिकारियों को अभियान के दौरान किसी तरह की कोताही ना बरतने के लिए आगाह किया। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि प्रशासन गांव और शहरों के अभियान के पीछे सरकार की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण हो और भूखंड के पट्टों से वंचित लोगों को भी पट्टे देकर राहत प्रदान की जाए। सरकार की मंशा के अनुरूप जिले समेत प्रदेश भर में शिविरों के माध्यम से आमजन को राहत देने का कार्य किया जा रहा है। बाड़मेर जिले के प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि शिविरों में जाकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में आमजन को शिविरों का बेहतर लाभ मिलेगा। उनके लिए मैं उनका नाम पुकार रहा हूँ, संतोष कुमार सोनी। इसके अभिनंदन जी, सभी तरह के पट्टे वितरण किए जा रहे हैं। लोगों के सामने जो भी समस्या आ रही है उनका निदान करने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया था शहरों के संग, उसका बढ़िया रिजल्ट मिला था। इस बार भी पूरी तैयारी के साथ सरकार ने अभियान चालू किया है और तमाम तरह की जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए तमाम सुविधाएं हर वार्ड में की जाएगी। वार्डों में कैंप लगेंगे, बाकायदा फॉलोअप कैंप होंगे, सड़क का है, पानी का, बिजली का, तमाम तरह की जो भी कमियां महसूस लोग करें उनकी पूर्ति की जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद में पट्टों के आवेदन के साथ सड़क मरम्मत, नाली नाला के निर्माण और मरम्मत, सफाई व्यवस्था, विद्युत पोल पर रोड लाइट लगवाने समेत कई जन समस्याएं सामने आ रही हैं। गुरुवार को प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम के दौरान भी भारी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक उमड़ पड़े। इस दौरान उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, नगर परिषद की विभिन्न शाखाओं के कार्मिक और विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।